अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, इससे आगे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो नया दिन नया आगाज़, और आप सबके क्या हाल चाल हैं, और क्या नाम है, स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं दिखाते हुए मुझसे हो गया बहुत नाराज। क्यों नाराज हो? जा रही हूँ बाहर, मैं आपको दिखाऊँ सब बाहर क्या कर रहे हैं। मैं आई हूँ अभी किचन में, और आज है मेरी बहन की बर्थडे, तो उसके लिए हम थोड़ी सी तैयारियाँ कर रहे हैं। तैयारियाँ भी क्या, बर्थडे के खाना वगैरह हम उसकी पसंद का बना रहे हैं, और यहाँ भाभी पीछे मेरी धो रही हैं गोश्त। हाय गाइस, अस्सलामु अलैकुम गाइस, वह अपनी फुप्पो से नाराज़ हो गया था, तो अब देखते हैं वो क्या कर रही है। असल में आज मैं आपा में मेरी फुप्पो की बर्थडे ना, तो हम सेलिब्रेट करेंगे बाकी सब, और केक शेक लेंगे। गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी फुप्पो क्या कर रही है। अब देखें, अब ये गोश्त काट रही है। आज आपकी बड़ी वाली फुप्पो की बर्थडे है ना मुन्ना, तो मैं काम कर रही हूँ। मैंने दादी से बोनलेस चिकन मंगाई थी, लेकिन ना वो बस ये वाली लेकर आ गई है। इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं से एक एक बोटी को निकालना ही, देखो मेरे चोट भी लग गई है। ये देखिए गाइस, मेरे चोट भी लग गई, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे गोश्त काटने में भी। तो आज हम थोड़े बहुत इसके लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो बेचारी है, वो चल भी नहीं सकती है, कहीं आती जाती भी नहीं है। तो हमने सोचा था थोड़ी छोटी ये खुशियाँ होती हैं। आप क्या बना रही हो? मैं बना रही हूँ चिकन बारबेक्यू राइस। यहाँ इस वक्त सब काम में लगे हुए हैं। तो गाइस मैं यहाँ चिकन मैरिनेट कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए मैंने अभी टिक्का मसाला तो डाल दिया है, क्योंकि मैं उसकी तैयारियाँ कर रही हूँ। मेरी सिस्टर की बर्थडे है, तो उसकी भी हम तैयारियों में लगे हुए हैं। ये मैंने सॉस डाला है, देखिए इनकी भी ब्लॉगिंग हो रही है। यहाँ सब कामों में लगे हुए हैं, सब कुछ। आप एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार दें, सपोर्ट करें शाल को, और मैं आपको शाल की भी झलकियाँ दिखाऊंगी। शाल क्या कर रही है, वैसे तो शाल में कम आएगी ब्लॉगिंग में, क्योंकि वो फिर बीमार होने लगी है, तो उस वजह से फिर भी मैं अपने व्यूवर से ज़रूर शाल को मिलवाऊँगी। तो गाइस अभी यहाँ हम सब कामों में लगे हुए हैं, अम्मी भी यहाँ काम कर रही हैं, पहले से यहाँ पे चाय वगैरह बना रही हैं, हम लोगों ने शाम की चाय भी पी है। तो गाइस क्या मैं सॉस रेडी करके मैं जाऊँगी ईशान के पास, ईशान को मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर आप लोगों का हक बनता है ना उसको भी देखने का, ज़ाहिर उसका चैनल है, आप लोग उसको इतना प्यार देते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोज़ देखने जा रही हैं। माशाल्लाह व्यूज भी बहुत अच्छी आते हैं, और मज़ीद मेरी वीडियोज़ को आप लाइक करें, कमेंट्स करें, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर देखा करें, एंड तक देखा करें। आती हूँ अपने मुन्ने ईशाल से। ईशाल इसने क्रॉलिंग करना भी सीख लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। ईशाल कम है यार, ईशाल क्लैपिंग हो रही है, इसने क्लैपिंग करना भी सीखी है। सम्मी यहाँ संभाल रही हैं बच्चों, सब अपने काम वगैरह में लगे हैं। अब ये सब मैं समेट दूँ, और यहाँ मैंने वेजिटेबल भी यहाँ पे कट कर लिए, उसकी भी कटिंग हो गई, सब कुछ हो गया। और यहाँ भाभी भी अपने उसमें मसाले में लगाई हुई, ये अपनी व्लॉगिंग करने में लगी, उल्टा सीधा ओल फोल, बस बोलना है बोलना है बोलना है, कुछ भी है बस बोलना है बोलना है। और यहाँ अम्मी बातें करी मेरे भाई से, ये मेरे छोटे वाले भाई हैं। सो मेरे भतीजे की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, शालमा अपनी खाला के साथ खेल लिए। सो अभी हम लगे हम सब अपने कामों में, मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद, जब पूरा हमारा खाना रेडी हो जाएगा। और ये यहाँ मैंने सॉसेस भी बना लिए, बस अब अम्मी यहाँ पर राइस बॉयल कर रही हैं, बस जैसे ही राइस बॉयल होंगे तो बस फिर प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर हम लोग सेलिब्रेशन भी करेंगे, प्रेजेंटेशन भी होगी, मतलब फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये अम्मी चूल्हा क्यों जलाया, अच्छा कोयला है या कोयला जल रहा है। खैर प्रेजेंटेशन जब हो जाएगी हमारे सब डिशेस की, फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस ऐसा ही रहा कुछ हमारा आज का दिन, क्योंकि आज है मेरी बहन की बर्थडे। डायरे आप लोगों को मैंने बताया कि आज मेरी बहन की बर्थडे है, तो बस उसी की हम लोग तैयारियों में लगे हुए, उसको बस खुश करने में लगे हुए हैं। मैं आपको इशाल भी दिखाती हूँ, इशाल क्या कर रही है। इशाल इशाल तो यहाँ अभी सो रही है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बस वही फ्लू कफ बहुत ज़्यादा बच्चों को हुआ हुआ है, तो बस यही चल रहा है सब बच्चों के साथ।
hours later. So guys, हमारा खाना भी बिल्कुल रेडी हो चुका था. अभी हमने दस्तरखान वगैरह लगा लिया है. बस अब हम यहाँ खाएंगे. देखें केक जो आप देख रहे हैं, असल में हमारे एरिया में भी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, जिसकी वजह से केक नहीं आ सकता था. तो बस घर में यही रखा हुआ था, क्योंकि बच्चे हैं घर में, तो बस बच्चों के लिए यही रखा हुआ था. तो फिर जल्दी जल्दी हम लोगों ने भाई यही भाई बहन को खुश भी तो करना था ना. तो बस यही है, क्योंकि उन्हें भी सबकी बर्थडे याद रहती है, तो हम उनकी बर्थडे भूल जाए ऐसा हो सकता है. यहाँ मेरे भाई भी आ चुके हैं और यहाँ सब बच्चे. शाल ये रही, शाल को भी देख लें. ये इनकी बड़ी आपी है. बस अब हम खाना खाने बैठ रहे हैं. मिलते हैं हम खाना खा कर. 20 minutes later. स्टार्ट होती है अब सेलिब्रेशन. सो ये सब कुछ हमने किया है अपनी बड़ी बहन के लिए, जिनको हम कहते हैं आपा. ये है हमारी आपा. ये देखें, आप देख सकते हैं, ये हमारी आपा. सो गाइस, घर में जाहिर है कोई था भी नहीं, मतलब घर में बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से केक नहीं आ सका. तो भाई यही घर में रखा हुआ था, तो बस हमने इसी से सेलिब्रेट कर ली. इशाल क्लैपिंग. इशाल क्लैपिंग. ये आप अपनी ब्लॉगिंग करने में लगे हुए, उनको तो बाल इन सेट हो रहे. चलो भाई, ये है सब बच्चों की आपा. सो गाइस, अब हो रही है यहाँ बच्चों की बर्थडे. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हो. हैप्पी बर्थडे टू यू. क्लैपिंग. ये देखें, इससे मुझे बड़ा हिलाया हुआ है. क्लैपिंग. खुश होना. देखो ये लोग सब जा रहे हैं अपने घर में. मेरा आप घर नहीं जा रही, घर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना घर आपको हैं? नहीं क्यों? बस बर्थडे हो गई, अब घर जाओ. जन्नीशे ना, बस बर्थडे हो गई शनो, घर जाओ ना आप. चलो टाटा टाटा. देखो इसको घर नहीं जाना, ही रो रही है. चलो माँ इसकी मम्मा इसका वेट कर रही है. चलो जल्दी से घर जाओ. हो गई है रात. देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़. अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम फरमाए. अल्लाह पाक खैर की बारिश बरसाए, बस किसी को नुकसान ना पहुँचे. गाइस, मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ. उम्मीद है कि आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा. बस यही है मेरी कुछ ऐसे ही रूटीन है. अभी तो मम्मी के घर आई हुई हूँ, तो कुछ ऐसे ही मेरी रूटीन है. वैसे भी आपको पता है एक हाउस वाइफ की कैसी रूटीन होती है. तो मुझे सपोर्ट करें और मुझे सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. और ये देखें, ये है मेरी गाड़ी जो बेचारी भीग रही है. मुझे अफसोस हो रहा है, इसका कपड़ा गंदा हो गया है. खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.